जिंदगी में हर किसी का एक सपना होता है, जिंदगी में एक बार क्यों ना हो, मेरे भी एब्स बन जाए, मेरे भी बॉडी बन जाए, बट आपके बिजी शेड्यूल और स्ट्रेसफुल लाइफ से ना ही आप अपने डाइट पे ध्यान दे पाते हो, ना ही आप अपने वर्कआउट पे ध्यान दे पाते हो, जिससे होता क्या है, आपका पेट निकल आता है। और जब आप दोस्तों के बीच में बैठे हो तो कोई आपको मोटा कहता है तो कोई आपको हाथी कहता है, जिससे आप अनकम्फर्टेबल फील करते हो। बट ठीक है, समय भी निकाल लिया तो जिम कौन जाएगा, जिम पास में है नहीं, जिम ऊपर है, किसी दिन स्ट्रेसफुल लाइफ है, बिजी शेड्यूल है, फिर जिम को नहीं जा सकते। तो उसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त एक लेके आया हूँ आपके लिए कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हम घर पर रहकर एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, अपना फैट कैसे कम कर सकते हैं और साथ ही में एब्स कैसे बनाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए, आज का ये वीडियो तीन टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहला तो एक्सरसाइज, इसमें हम देखेंगे कि आपको क्या क्या करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स या डाइट, इसमें हम देखेंगे कि आपको अपने रोज के खाने में क्या ऐड करना है और आपको क्या कम करना है। टेंशन मत लो, प्रोटीन पाउडर के बारे में नहीं बताऊंगा, जो घर में मिलता है वही सब बताऊंगा। तीसरा है मिथ्स, बॉडी बिल्डिंग को लेकर बहुत सारी अफवाह है, ये करना है से बॉडी बनेगी, ये करने से बॉडी नहीं बनेगी, हम इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन तीनों टॉपिक्स को ध्यान से समझोगे तो आपका तो बॉडी बनना ही है, मैं आपको लिख के देता हूँ आपका बॉडी बन जाएगा। तो इसे ध्यान से सुनना। पहला है एक्सरसाइज, इसे भी आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो टॉपिक में डिवाइड कर सकते हो। पहला तो है शेड्यूल और दूसरा है एक्सरसाइज। अब शेड्यूल में होता क्या है, ये तीन टाइप्स का है। पहला तो जनरल एक्सरसाइज, दूसरा स्पेसिफिक एक्सरसाइज और तीसरा है कंबाइंड एक्सरसाइज। पर जो लोग घर पर बॉडी बना रहे हैं उनके लिए जनरल और स्पेसिफिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जनरल का रोल 60% होता है और स्पेसिफिक का रोल 40% होता है। अब आप सोच रहे होगे ये बस टॉपिक्स का नाम बता रहा है, तो सुनो, जनरल में आपको पूरे बॉडी का वर्कआउट करना होता है, जिसमें आप कार्डियो, चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और बाकी सारे मसल को ट्रेन करते हो। बट स्पेसिफिक में आपको कार्डियो प्लस बॉडी का कोई एक मसल ट्रेन करना होता है। अब ये करते कैसे, तो हम आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक एक्सरसाइज पर। एक बार आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दूँ फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले तो चेस्ट एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। अब आप घर पर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके पास तो हेवी मशीन तो होगा नहीं, तो आपका मेन फोकस पुशअप्स पर रहेगा। और एक बात, आप जब भी पुशअप्स मारोगे उसे जल्दी जल्दी मत मारना, टाइम लेके मारो, आराम से मारो, अपने चेस्ट और शोल्डर में कॉन्ट्रैक्शन फील करो। आप कोई भी एक्सरसाइज करो उसे आराम से करना, सबको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का टाइम देना, जिससे आपके मसल का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा। नॉर्मल पुशअप्स, इसके 10x2 सेट्स मारना, इससे आपके ट्राइसेप्स, शोल्डर और मिडल चेस्ट के मसल बनेंगे। इंक्लाइन पुशअप्स, इसके 10x2 सेट्स मारना, इससे आपकी लोअर चेस्ट और बैक मसल बनेंगे, साथ में ही आपके शोल्डर पर भी स्ट्रेस आएगा। डिक्लाइन पुशअप्स, इसके 10x2 सेट्स मारना, इससे आपकी अपर चेस्ट और ट्राइसेप्स के मसल बनेंगे। डायमंड पुशअप्स, इसके 10x2 सेट्स ना, ये आपके ट्राइसेप्स को निचोड़ के रख देगा, साथ ही में आपके राइट और लेफ्ट चेस्ट को प्रोमिनेंट दिखाएगा। लास्ट है हिंदू पुशअप, जिसे आप सपाटे भी कहते हो, इसके भी 10x2 सेट्स मारना, ये आपके शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या को फुल बॉडी वर्कआउट में मदद करेगा। यह चेस्ट का शेड्यूल, चेस्ट के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस है बट ये हम घर पर कर सकते हैं। अब देखते हैं बैक के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा, आप पुशअप्स लगा सकते हो, पुशअप से आपके बैक पे स्ट्रेन आएगा, जिससे आपके बैक के मसल्स बन जाएंगे। इसके बाद आप प्लैंक कर सकते हो, बट प्लैंक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपके कोर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक अपने प्लैंक को होल्ड कर सकते हो। मैं खुद पर्सनली 3-4 मिनट तक अपने प्लैंक को होल्ड कर सकता हूँ। इसके बाद आता है बैक के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, ये है आपका पुलअप्स। ये भी डिपेंड करता है आपके कोर स्ट्रेंथ और आपके शोल्डर स्ट्रेंथ पे कि आप कितने देर तक पुलअप्स मार सकते हो, बट आपको पुलअप्स के 10x2 के सेट में मारना है, जिससे आपका बैक का मसल अच्छा बन जाएगा। तो अब हम लेग्स के लिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो आप लेग्स के लिए स्क्वाट्स लगा सकते हो 10x2 के सेट में, ये आपके थाई के मसल पैक करेगा, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपके थाई को एकदम मोटा और मस्कुलर दिखाएगा। उसके बाद आप लंजेस लगा सकते हो, इसको भी 10x2 के सेट में लगाना, ये भी आपके थाई और काल्फ मसल पैक करेगा, इससे आपके थाई के मसल प्रोमिनेंट दिखते हैं और साथ में काल्फ के मसल की भी ग्रोथ होती है। अब आता है लेग्स के लिए सबसे खतरनाक और सबसे डेडली एक्सरसाइज, ये है आपका वॉल होल्ड। ये आपके कोर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, आप कितने देर तक अपने आप को वॉल के साथ होल्ड कर सकते हो। आपके एब्डोमेन और थाइस के मसल ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब शोल्डर के लिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। वैसे तो शोल्डर के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस है और शोल्डर हर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, बट हम बिना इक्विपमेंट्स के देख रहे हैं। तो आप शोल्डर के लिए पुशअप्स लगा सकते हो, पुलअप्स लगा सकते हो, प्लैंक लगा सकते हो, इससे आपका शोल्डर एकदम अच्छे से बन जाएगा। बट एक एक्सरसाइज जो है, जो सबसे टफ है और सबसे मुश्किल है, यह वॉल वॉक।
इसको करने के लिए आपका शोल्डर एकदम ताकतवर और पावरफुल होना चाहिए। अगर आपका शोल्डर वीक है तो आपके इंजरी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसे भी आप 10x2 के सेट्स में लगा सकते हो। अभी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए देख लेते हैं। फिर अपना वही आपको पुशअप्स लगाना है। पुशअप्स लगाने से आपका बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर तीनों मसल बन जाएगा। अगर आप डिफरेंट टाइप का पुशअप्स लगाओगे तो आपका डिफरेंट टाइप का मसल डेवलप करेगा। और एक बात, पुशअप्स लगाने से आपके अपर बॉडी के हर मसल का थोड़ा ना थोड़ा एक्सरसाइज हो ही जाता है। बट आपको स्पेसिफिक बाइसेप्स के लिए कुछ करना है तो अगर आपके पास 2 ईंटें अवेलेबल है तो उससे आप बाइसेप्स कर्ल मार सकते हो। 15x3 के सेट में मारना है जिससे आपका बाइसेप्स एकदम प्रोमिनेंट दिखेगा और साथ में बाइसेप का ये मस्कुलर मास भी बढ़ जाएगा। फिर आपको ट्राइसेप्स मारना है तो ट्राइसेप्स के लिए आप ओवरहेड एक्सटेंशन मार सकते हो। इसे भी 15x3 के सेट में मारना जिससे आपका ट्राइसेप्स बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए एक एक एक्सरसाइज बताया क्योंकि आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो उसमें आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होना ही है तो उसका एक्सरसाइज हो ही जाएगा। और ऊपर से आप घर पर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा इक्विपमेंट भी है नहीं, तो इन एक्सरसाइज से आपका हर मसल थोड़ा ना थोड़ा डेवलप हो ही जाएगा। आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में आ जाएगी। अभी जितनी भी एक्सरसाइज बताई वो सब बिगिनर्स के लिए जो घर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब आपको एक शेड्यूल भी बता देता हूँ आपको क्या करना है जिससे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। आपको अपने एक्सरसाइज के पहले हफ्ते में कार्डियो प्लस रोज एक बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करना है। अब हम देख लेते हैं हमें कार्डियो में करना क्या है। अगर आपके पास स्किपिंग रोप अवेलेबल है तो आप स्किपिंग कर सकते हो, आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो या अपने ही जगह पर 5 से 10 मिनट भाग लेना। इससे आपका कार्डियो हो जाएगा और फुल बॉडी वर्कआउट भी हो जाएगा और आप बॉडी स्वेट भी करोगे तो आपका कैलोरीज भी बर्न हो जाएगा। अब देखो आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है, आपका पहला हफ्ता है, तो आप कार्डियो मारो उसके साथ चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या कोई भी बॉडी पार्ट, मतलब आपको डेली कार्डियो प्लस हर बॉडी पार्ट का एक एक्सरसाइज करना है जिससे आपके पूरे बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा। अब आपका फर्स्ट वीक खत्म हो गया, अब आप सेकेंड वीक में, तो सेकेंड वीक में क्या करना है आपको कार्डियो प्लस कोई भी एक बॉडी पार्ट, जैसे कि मंडे को आप कार्डियो प्लस चेस्ट ले लेना और चेस्ट के सारे एक्सरसाइज कर देना जिससे आपके चेस्ट का ज़्यादा ग्रोथ होगा। फिर अगले दिन आप चेस्ट प्लस बाइसेप्स कर देना और फिर बाइसेप्स के सारे एक्सरसाइज मार देना। ऐसे हफ्ते के 6 के 6 दिन आपको रोज़ कोई ना कोई बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है। और संडे का रहेगा आपका हॉलीडे, तो संडे को आपको एज अ रेस्ट डे यूज़ करना है। संडे को आपको एक्सरसाइज नहीं करोगे जिससे आपके बॉडी को रेस्ट भी मिलेगा और आप रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो इससे आपका बॉडी भी बन जाएगा। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच गए हो ना, इसका मतलब आप मोटिवेटेड हो, आपको मेरी बातें समझ रही है, आप खुद को रिलेट कर पा रहे हो और कल से आप वर्कआउट करना भी शुरू कर दोगे जिससे आपकी बॉडी 20 या 25 दिन में बन भी जाएगी। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम पहुँचते हैं हमारे वीडियो के सेकेंड पार्ट जो कि डाइट की तरफ। होता क्या है, आप जिम जा रहे हो बट आप कुछ भी खा रहे हो तो आपका बॉडी नहीं बनेगा। आप अच्छा खा रहे हो बट आप जिम नहीं जा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तब भी आपका बॉडी नहीं बनेगा। बट आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो तो आपका बॉडी बनेगा। तो आपका साइज और आपका डाइट हैंड इन हैंड जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको घर पर रहकर क्या खाना है। और टेंशन मत लो, प्रोटीन पाउडर या वो डब्बों की सलाह नहीं दूंगा मैं, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको अफोर्डेबल है और आपके घर में अवेलेबल है। आपको यहाँ वहाँ की बातें बताने की जगह आपको वो बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको रोज़ का 1/2 लीटर दूध पीना है। अब आप सवेरे पियो या शाम में पियो वो आप पर डिपेंड करता है। जब आपको टाइम है तब आप दूध पी सकते हो। और आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो उसके पहले आपको 3 केले खाना है। अब 3 केले खाने से होगा क्या, आपको इंस्टेंट एनर्जी फील हो जाएगा। एक्सरसाइज करते समय आपको थकान महसूस नहीं होगी, आप ज़्यादा वेट उठा सकते हो और ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकते हो। और 3 केले खाने का मेन फायदा है कि आप ज़्यादा देर तक कार्डियो कर सकते हो जिससे आप अपना फैट भी लूज़ कर सकते हो और एक अच्छी बॉडी बना सकते हो। अब आप एक्सरसाइज करो, आपका एक्सरसाइज करके हो गया तो उसके बाद बैठे मत रहना, उसके बाद तुरंत ठंडे पानी से नहा लेना जिससे आपका जो पसीना है, स्वेट है, आपके बॉडी से बदबू भी नहीं आएगी और कोई आपका अगर इन्फेक्शन कुछ हो जाएगा तो इन्फेक्शन के चांस भी कम हो जाएंगे। और अब आप वर्कआउट करने के बाद 4 अंडे खा लेना, ये अंडे खाने से आपकी प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। आप रेगुलर डाइट चल रहा है उस डाइट को चलने दो, बट साथ ही में आपको करना क्या है, रोज़ सवेरे उठने के बाद ब्रेकफास्ट में आपको मुट्ठी भर ग्राउंडनट्स और मुट्ठी भर चना खाना है क्योंकि इन दोनों में प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है जिससे आपको प्रोटीन का डब्बा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इनका प्राइस भी कम है तो ये अफोर्डेबल भी है और आपके डाइट के साथ मैच भी हो जाएगा। और आप देखो हो क्या रहा है, आपका डाइट अच्छा हो गया, आपका एक्सरसाइज अच्छा हो गया तो आपका बॉडी भी अच्छा बन जाएगा। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, मिथ्स। जिम को लेकर बहुत सारी अफवाह है, बहुत सारे रूमर्स है, रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है और पता नहीं ये सब आते कहाँ से है, कौन ये सब रूमर्स फैला रहा है। जैसे कि ये वाला रूमर आप सभी ने सुना होगा, अगर आप बचपन में या छोटी उम्र में एक्सरसाइज करना या जिम करना शुरू कर दोगे
तो आपकी हाइट ब्लॉक हो जाएगी, ये आप सभी ने सुना होगा। बट इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है नहीं। मतलब आप बताओ, एक्सरसाइज करना और हाइट ब्लॉक का क्या संबंध है? आपको और एक रूमर बताता हूँ, एक रूमर जो मैंने सुना है, अगर आप जिम नहीं जाओगे, वेट नहीं उठाओगे तो आपका मसल नहीं बनेगा। अब मुझे बताओ, वेट उठाना और मसल बनने में क्या रिलेशन है? आपको पता है मसल बनता कैसे? मसल रेजिस्टेंस से बनता है। अगर आपको मसल को किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस मिलेगा तो आपका मसल बन जाएगा। अब ऐसी बहुत सारी अफवाह, अगर आपने भी जिम को लेकर कोई अफवाह सुनी हो जो झूठी हो तो उसे कमेंट कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।